हेलो एवरीवन, दिस साइड निर्देश मान और आज आपके लिए एक अल्ट्रा लग्जरी रिजोर्ट लिविंग थीम के ऊपर आने वाले प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। प्रोजेक्ट का नाम है गोदरेज वरिष्का, सेक्टर 103 के अंदर ये लोकेटेड है। तो आज हम इसकी सारी डिटेल देखने वाले हैं, एक्चुअल साइट विजिट करेंगे, कहाँ पर ये साइट लोकेटेड है, इसी के साथ सराउंडिंग की जितनी भी रेजिडेंशियल है या फिर कमर्शियल डेवलपमेंट है या फिर रोड्स की कनेक्टिविटी है वो गूगल मैप के ऊपर भी समझेंगे। तो इस वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है जिससे आपके इस प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग जितने भी डाउट और क्वेश्चंस है वो क्लियर हो जाए, और फिर भी कोई रह जाता है तो आप सबसे रिक्वेस्ट रहेगी कमेंट जरूर करना। और सबको सबसे पहले तो मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा, आपने मेरे कहने पे जो रेशियो था 80-20 का वो जो है बढ़कर हो गया है 28 का और आपका 72 का, तो गाइज उसके लिए थैंक यू सो मच कि आपने जो है 8% लोगों ने जो है और एक्स्ट्रा जो है इस बार सब्सक्राइब किया, उसके लिए थैंक यू सो मच। ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमेशा लाइक शेयर करते रहिए और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, जिससे हमें मोटिवेशन मिलती है और अच्छा अच्छा कंटेंट आपके लिए फ्यूचर में भी लेकर आते रहेंगे। तो चलिए टॉपिक के ऊपर आते हैं। तो गाइज जैसे कि मैंने बताया, आज का जो हमारा प्रोजेक्ट है वो है गोदरेज वरिष्का। प्रोजेक्ट सेक्टर 103 गुड़गांव में लोकेटेड है। इसको गोदरेज प्रॉपर्टीज डेवलपर जो है वो लेके आ रहा है। अगेन गोदरेज प्रॉपर्टीज की क्रेडिबिलिटी के बारे में मुझे बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि काफी सारे लग्जरी प्रोजेक्ट गुड़गांव के अंदर लॉन्च भी हो चुके हैं और काफी सक्सेसफुल प्रोजेक्ट भी हैं। अब गोदरेज जैसे कि एरिस्टोक्रेट आया था, गोदरेज जेनिथ आया था, या फिर आप गोदरेज के पुराने प्रोडक्ट भी देखोगे तो काफी सक्सेसफुल भी रहे हैं और प्रोडक्टों की लोकेशन भी काफी अच्छी है। तो अगेन फिर से गोदरेज प्रॉपर्टीज अपना एक और प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहे हैं सेक्टर 103 के अंदर। ये जो प्रोजेक्ट है ये लास्ट प्रोजेक्ट है नॉन टीओडी लाइसेंस के साथ। अब आप कहेंगे टीओडी लाइसेंस क्या होता है, तो इसको मैं आपको यही कहूंगा अगर आप इस पे डेडिकेटेड वीडियो चाहते हो, क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कि भाई टीओडी लाइसेंस के ऊपर है, इस पे टीओडी लाइसेंस नहीं है, तो होता क्या है एक्चुअली, तो वो चीज जानने के लिए मैं आपको कहूंगा आपको कमेंट करनी पड़ेगी, तो इसके ऊपर जो है डेडिकेटेड वीडियो बनाएंगे। लेकिन फिलहाल आज का जो टॉपिक है उसी पे डिस्कस करते हैं। तो ये जो प्रोजेक्ट है इसके अंदर आपको 3 BHK, 3.5 BHK एंड 4.5 BHK के लग्जरी प्रोजेक्ट मिल जाएंगे। रेरा इसका ऑलरेडी आ चुका है, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। 15 एकड़ के अप्रोक्स जो है इसका लैंड बैंक रहेगा। जो साइजेस हैं वो 2100 स्क्वायर फीट से स्टार्ट हो रहे हैं और जो प्राइस स्टार्ट होएगा वो यहाँ पे आपको 18,000 के अप्रोक्स जो है प्राइस देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं प्रोजेक्ट के अंदर की। तो देखिए यहाँ पर 6 टावर्स लॉन्च होंगे जिसके अंदर आपको जैसे कि मैंने बताया 4 to 1 और यूनिट रहेंगी, ग्राउंड प्लस 30 फ्लोर का टावर रहेगा और टोटल जो यूनिट्स हैं वो 3 BHK का जो है साइज 2100 स्क्वायर फीट से, 3.5 BHK का साइज आपको 2400 से एंड 4.5 BHK का अप्रोक्स आपको 3700 स्क्वायर फीट से साइज स्टार्ट होता हुआ नजर आएगा। अगेन पेमेंट प्लान फ्लेक्सिबल रहेगा, जैसे कि MIP भी मिल जाएगा और कंस्ट्रक्शन लिंक भी मिल जाएगा। जो अपार्टमेंट है उसके अंदर आपको वही बात है VRV AC वगैरह हो गया, वो सारी चीजें जो भी एक नॉर्मल लग्जरी में मिलती हैं वो सारी मिल जाएंगी। इसके अलावा जो सीलिंग की हाइट है वो आपको 3.09 मीटर की मिल जाएगी, फ्लोर टू सीलिंग की जो हाइट रहेगी ये रहने वाली है। तो मतलब अच्छा खासा स्पेशियस आपको हाइट भी मिलेगी और अपार्टमेंट भी मिलने वाला है। इसके अलावा आपको जो है यहाँ पे सारी लग्जरी अमेनिटीज, 55,000 स्क्वायर फीट प्लस का आपको स्टेट ऑफ द आर्ट क्लब हाउस मिल जाएगा। अगेन रिजोर्ट लिविंग जो चीजें हैं वो आपको यहाँ पे मिलने वाली है, तो मतलब ऊबर लग्जरी प्रोजेक्ट ये बनने वाला है। प्रोजेक्ट की जो लोकेशन है वो बहुत अच्छी है क्योंकि प्रोजेक्ट बैंग ऑन जो है 75 मीटर रोड पे लोकेटेड है और ये जो है ये अपर द्वार का एक्सप्रेसवे है, जो अगेन आपको पता ही होगा कि जो शोभा 108 अगर आप जानते हैं, शोभा सिटी 108, तो ये वही वाली रोड है, उसी पे ये प्रोडक्ट लोकेटेड है। तो बिल्डर क्रेडिबिलिटी भी अच्छी है, चीजें भी सब सही हैं। तो अगर आपका बजट जो है वो 3.5 करोड़ से 4.5 करोड़ के बीच में अगर कहीं वेरी करता है तो आप इस प्रोजेक्ट को अपने लिस्ट में शामिल कर सकते हैं। फिर से मैं एक बात कहूंगा, हमारी रिकमेंडेशन जानने के लिए और आपको अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से प्रॉपर्टी सही चूज करने के लिए नीचे स्क्रीन पे नंबर आ रहे हैं, उस पे पता कर लेना। और अगर आप खुद से भी कर रहे हो तो आपको मैं यही सलाह दूंगा, सारी इंफॉर्मेशन लेके सारी चीजें पता करके उसके बाद ही इस प्रोडक्ट के अंदर घुसना। बिना वजह 35,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से ले लो, ये ले लो, वो ले लो करके मत करना। अपने बजट को देखना, अपने पॉकेट को देखना और अपनी रिक्वायरमेंट्स को देखना, उसके बाद ही कोई वर्किंग करना। विदाउट उसके जो है कोई भी वर्किंग मत करना। तो ये मेरी रिकमेंडेशन है, इसको आप जरूर से जरूर मानना। अब हम गूगल मैप के ऊपर चलते हैं और रोड्स और सराउंडिंग को समझ लेते हैं, उसके बाद मैं आपको ड्रोन व्यू के अंदर जो है इसकी साइट दिखाऊंगा एक्चुअल, जिससे आपको पता चले कि लैंड बैंक कहाँ पर लोकेटेड है, सराउंडिंग में क्या क्या है, एक्चुअल जो कंडीशन है वो साइट की वो क्या है। तो चलिए चलते हैं गूगल मैप पे और देख लेते हैं। हेलो एवरीवन, अब हम गूगल मैप के सैटेलाइट व्यू के ऊपर आ चुके हैं। अब हम रोड्स
कनेक्टिविटी वगैरह को समझ लेते हैं, फिर उसके बाद हम ड्रोन व्यू पे चलेंगे। तो ये जो आप येलो लाइन देख रहे हैं, मेरा कर्सर आपको दिखाई दे रहा होगा, ये येलो लाइन जो है इसको हम द्वारका एक्सप्रेसवे के नाम से जानते हैं। और जो हमारा प्रोजेक्ट है वो आप ये जो मतलब कि कनेक्टिंग रोड है जो द्वारका एक्सप्रेसवे और अपर द्वारका एक्सप्रेसवे को कनेक्ट करती है, दिस इज अपर द्वारका एक्सप्रेसवे। और करंटली अभी फिलहाल जो है सेक्टर 103 के अंदर गोदरेज ग्रुप का प्रोजेक्ट आ रहा है रिक्शा। ये जो प्रोजेक्ट है ये लोकेटेड है आपका बिल्कुल इस जमीन पे, ये जो आप जमीन देख रहे हैं मेरा कर्सर आपको दिखाई दे रहा होगा, ये इसका टोटल लैंड बैंक है। बाकी आपको ड्रोन व्यू में और प्रॉपर समझ आ जाएगा। तो यहाँ से जो डिस्टेंस है वो अप्रोक्स 3 से 4 मिनट की पड़ेगी। करंटली जो कनेक्टिविटी है यहाँ से होते हुए आपको जाना पड़ता है और फिर आप प्रोजेक्ट पे पहुँचते हैं, लेकिन फ्यूचर के अंदर ये वाली जो रोड है ये भी फंक्शनल हो जाएगी। ठीक है, अभी यहीं पे एक प्रोडक्ट और भी आ रहा है वाइटलैंड 103, उसकी जो जमीन है वो आपकी ये वाली रहने वाली है, तो इसके बारे में भी हम बहुत जल्दी वीडियो लेके आएंगे। तो ये वाली जो रोड है द्वारका एक्सप्रेसवे से अगर आप राइट साइड चले जाते हैं तो आप दिल्ली द्वारका को कनेक्ट कर जाते हैं, और लेफ्ट साइड अगर आप जाएंगे तो फिर आप जो है गुड़गांव को कनेक्ट कर जाएंगे SPR पे। एंड ये जो प्रोजेक्ट है ये जैसे कि आपका अपर द्वारका एक्सप्रेसवे है, आगे अगर आप जाते हो तो शोभा की इंटरनेशनल सिटी शोभा 108 है, या फिर गोदरेज ग्रुप का ही एक मेरिडियन प्रोडक्ट है, इसी के ऊपर रोड पे जो है आगे मिल जाता है, यानी अपर द्वारका एक्सप्रेसवे पे ही। तो सराउंडिंग के अंदर अगेन गोदरेज ग्रुप के खुद के भी प्रोजेक्ट हैं, इसके अलावा जॉय विले है, या फिर आप इधर अगर आप आते हैं तो दिल्ली पब्लिक स्कूल भी है। और जब आप ऑफिस से बात है द्वारका एक्सप्रेसवे से कनेक्ट हो जाते हैं तो आप किसी भी कोने में जो है जा सकते हैं। तो ये वाला है, तो आई होप आपको समझ आ गई होंगी कनेक्टिविटी वगैरह मैप के ऊपर कि आपका प्रोजेक्ट एग्जैक्ट कहाँ पे है। ठीक है, तो ये आपका प्रोजेक्ट रहने वाला है। आई होप आपको गूगल के सैटेलाइट व्यू पे लोकेशन प्रॉपर समझ आ गई होगी। अब मैं आपको ड्रोन में समझा देता हूँ, और बाकी आप सबको मैं यही राय दूंगा, अगर इस प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग वर्किंग करना चाहते हो, हमारी रिकमेंडेशन जानना चाहते हो, तो नंबर आ रहा है स्क्रीन पे, उस पर कॉल करके पता कर लो। चलिए चलते हैं और ड्रोन व्यू देख लेते हैं।
गाइस आई होप आपको गोदरेज वरिष्का सेक्टर 103 की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। अभी भी कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो वो आप कमेंट करके या कॉल करके पता कर लेना। बाकी मेरी रिकमेंडेशन आपको यही रहेगी कि आप कॉल करके ही जो है अपने सारे डाउट्स क्लियर करो, साइट विजिट बुक करके साइट देखो। अगर आपका ये बजट है, कहीं वेरी करता है, तो मैं आप सबको ये रेकमेंड करूंगा, क्योंकि फोन करोगे, साइट देखोगे, सारी चीजें पता करोगे, अपने डाउट्स क्लियर करोगे, तो उसके बाद ही आपका कॉन्फिडेंस आएगा कि आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। अदरवाइज अगर आधी अधूरी चीजों में अगर आप यूआई अप्लाई कर दोगे या फिर प्रॉपर्टी परचेज कर लोगे, तो फिर कल अगर कोई भी पर्सन आपको कहेगा कि भाई ये चीज कमी है, ये चीज कमी है, तो मैं कहूंगा ये चीज हमारे साथ बहुत अच्छी रहेगी आपकी, कि हम आपको ट्रांसपेरेंसी के साथ, अगर कोई वहाँ पे वही बात है, नेगेटिव पॉइंट भी है, कोई पॉजिटिव पॉइंट भी है, तो सारी आपके साथ जो है प्रॉपरली शेयर करते हैं, जिससे आपको कोई डाउट ना रहे, आपकी प्रॉपर्टी की सारी चीज़ें आपको पता रहें। तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा आप कॉल करके अपने डाउट्स और क्वेश्चन जरूर रिजोल्व करना। एंड गाइज यही नहीं, अगर इस प्रॉपर्टी के अलावा भी कोई और प्रॉपर्टी है जिसपे आप वर्किंग कर रहे हो गुड़गांव में, चाहे कमर्शियल है, चाहे लग्जरी है, चाहे अफोर्डेबल है, तो उसके लिए भी आप जो है वर्किंग कर सकते हो। सो गाइज जाते जाते आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट और रहेगी, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, वीडियो को लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया है तो कर दीजिए, जिससे हमें मोटिवेशन मिलेगी। और आपने हमारी बात मानी, सब्सक्राइब किया, लाइक किया, रेशो बढ़ाने के लिए व्यूज जो है आपने लास्ट तक देखी वीडियो, उसके लिए आप सबका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। तो प्लीज इस नंबर को और ऊपर लेके जाना, अपना सपोर्ट जो है, अपना प्यार वो और दिखाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई नई इन्फॉर्मेशन के साथ या फिर किसी नए प्रोडक्ट के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।